इन दिनों OTT पर धमाका मचा रही फिल्म टर्मिनेटर डार्क फेट के हीरो आर्नोल्ड ने अपनी अगली पेशकश की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। इसी के साथ उनका TV और OTT डेब्यू भी होने जा रहा है। आर्नोल्ड कंपनी स्काई डाइस टेलीविजन के लिए जासूसी सीरीज करने जा रहे हैं। इस सीरीज की कहानी दुनिया भर में फैली हो और इसके साथ नाम जुड़ा है उस शो रनर जिन्होंने प्राइम वीडियो के लिए जैक रिचर्ड जैसी सीरीज तैयार की है। जानकारी के मुताबिक आर्नोल्ड ने भी बदलते समय के साथ कदम करते हुए अपनी पहली TV सीरीज के लिए हाँ कर दी है। ये एक ग्लोबल स्पाई एडवेंचर सीरीज होगी जिसकी मूल कहानी एक पिता और एक बेटे के रिश्ते के सहारे आगे बढ़ेगी। इन दिनों दुनिया भर में इस तरह की कहानियों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसमें पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाया गया है। बिन माँ की बेटी को पालने वाले पिता की कहानियाँ भारत में नील कमल के दिनों से ही चली आ रही है। स्काई डाइस और आर्नोल्ड का नाता पुराना है। दोनों ने मिलकर साथमर टर्मिनेटर जेनेसिस और टर्मिनेटर डार्क फेट जैसी फिल्में बनाई हैं। इस सीरीज में भी आर्नोल्ड और कार्यकारी निर्माता जुड़े रहेंगे और शो के मुनाफे में उनकी भी हिस्सेदारी बनी रहेगी। जैसे छोटे पर्दे पर आर्नोल्ड का चेहरा भले ही पहले ना देखा गया हो लेकिन इन दिनों तेजी से बन रही स्टेन लीज सुपर हीरो किंडरगार्टन में उनकी आवाज़ जरूर सुनाई देगी। ये सीरीज आगे साल रिलीज होने वाली है। आर्नोल्ड की सीरीज से जो सबसे अहम नाम अब तक जुड़ चुका है वह है निक स्टोरा का। निक ने लॉ एंड ऑर्डर्स, प्रिजन बैंक और स्कॉर्पियन जैसी मशहूर सीरीज बनाई है। वह जैक रिचर पर बन रही सीरीज की भी शो रनर है।